व्हाट डज द एंड इंस्ट्रक्शन डू, एंड इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? तो हर एक प्रोग्राम के एंड में एक इंस्ट्रक्शन होगा, एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये करता है, ये बताएगा सीपीयू को कि अब ये प्रोग्राम एंड हो गया है और आप नया इंस्ट्रक्शन फैच कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इट स्टार्ट्स अ न्यू इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल एंड इट सेट्स द काउंटर। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में आपके पास में एक काउंटर है, स्टेप काउंटर, और एक इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट है। तो ये क्या करेगा, एंड इंस्ट्रक्शन एक नया इंस्ट्रक्शन फैच करना स्टार्ट कर देगा और काउंटर जो है वो रिसेट कर देगा, क्योंकि अब आपको कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो नए जनरेट करने पड़ेंगे। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 127, द नेम हार्डवायर्ड केम बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस कैरिड आउट आर डिटरमाइंड बाय द वायरिंग। ओके, दिस इज ट्रू, क्योंकि हम हार्डवायर्ड में क्या यूज़ कर रहे हैं, हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। ओके, 128, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस अप्रोच, दैट मीन्स हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, इज वॉट? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज हाईली इफिशियंट, इट इज वेरी रिलायबल, और इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ओके, डी इज ट्रू, रिलायबल तो है नहीं, क्योंकि अगर हार्डवेयर फेल हुआ, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू आप कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहे हो, अगर हार्डवेयर फेल हुआ तो पूरा का पूरा सर्किट फेल हो जाएगा और आप कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं कर पाओगे। और हाईली एफिशिएंट भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपको नया कोई इंस्ट्रक्शन ऐड करना है, लेट से आपको नया इंस्ट्रक्शन ऐड करना है अपने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर, तो क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रोल सिग्नल चाहिए होते हैं और इसमें पहले से सब कुछ फिक्स है, एक हार्डवेयर है आपके पास में और वो फिक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर सकता है। तो अगर आप एक नया इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हो तो आपको पूरी की पूरी हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो है वो दोबारा से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि जो काम अगर आप कोई काम हार्डवेयर के थ्रू कर रहे हो और वही सेम काम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो, तो वो काम हार्डवेयर के थ्रू जल्दी होगा। आप कंट्रोल सिग्नल अगर हार्डवेयर के थ्रू जनरेट करते हो तो वो स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, दस इट डिसएडवांटेज ऑफ द हार्डवायर्ड अप्रोच इज वॉट? इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल, इट कैन नॉट बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ कॉस्टली, या फिर लेस फ्लेक्सिबल एंड कैन नॉट बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। दिस इज ट्रू, फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, क्यों? क्योंकि आपको अगर नया इंस्ट्रक्शन ऐड करना है तो आपको पूरी पूरी हार्डवायर कंट्रोल यूनिट जो है दोबारा से डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और इसको हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है तो आपको जो सर्किट है वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 130, इन माइक्रो प्रोग्राम्ड अप्रोच द सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय मशीन इंस्ट्रक्शंस, सिस्टम प्रोग्राम्स, यूटिलिटी टूल्स और नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो हम मशीन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, करते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। हम जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे वो कैसे करेंगे, कंट्रोल सिग्नल्स प्रोग्राम के थ्रू, दैट इज मशीन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 131, अ वर्ड हुज इंडिविजुअल बिट्स आर बिट्स रिप्रेजेंट अ कंट्रोल सिग्नल इज नोन एज वॉट? तो एक कंट्रोल वर्ड होगा कंट्रोल मेमोरी के अंदर। ठीक है, जब आप कंट्रोल यूनिट के पास में आओगे तो आपको सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी जो पहले, जैसे प्रोग्राम काउंटर है तो यहाँ पे होगा माइक्रो प्रोग्राम काउंटर, जैसे आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है तो यहाँ पे होगा माइक्रो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो मेमोरी है आपके पास में मेन मेमोरी, उसी की तरह कंट्रोल यूनिट के अंदर भी एक मेमोरी है, उसको बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। उसके अंदर भी वर्ड्स हैं, उनको बोलते हैं कंट्रोल वर्ड्स। जैसे मेमोरी के वर्ड्स होते हैं ऐसे ही बोलते होते हैं कंट्रोल वर्ड्स। बस डिफरेंस इतना है, जो कंट्रोल वर्ड होगा वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा बिट्स की फॉर्म में, जो कंट्रोल मेमोरी होगी उसमें कंट्रोल वर्ड्स होंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है, यहाँ पे माइक्रो प्रोग्राम काउंटर होगा। तो कंट्रोल वर्ड होगा, अ वर्ड हुज इंडिविजुअल बिट्स रिप्रेजेंट ए कंट्रोल सिग्नल इज दैट। तो आपके पास में कुछ इस तरह से होगी कंट्रोल मेमोरी, यह है कंट्रोल मेमोरी और इसमें है कंट्रोल वर्ड्स, इस तरह से। तो कंट्रोल सिग्नल अगर आपने देखे हो तो कंट्रोल सिग्नल्स कुछ इस तरह से होंगे। लेट्स से ये कंट्रोल मेमोरी है और कंट्रोल मेमोरी डिवाइडेड है कंट्रोल वर्ड्स में, ये है कंट्रोल वर्ड नंबर 0, इसके अंदर है कंट्रोल सिग्नल्स इस फॉर्म में। ठीक है, हर एक कंट्रोल वर्ड के अंदर कई सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जिनको हम बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कहीं वो कंट्रोल सिग्नल यूज़ करना होगा तो कंट्रोल वर्ड में उसकी बिट्स चाहे 1 सेट कर देंगे। जैसे आपके पास में लेट्स से पीसी आउट, पीसी इन, एमएआर इन, ये सब कंट्रोल सिग्नल के नाम हैं, एम ए आर आउट, ओके, एम डी आर इन और आई आर आउट या आई आर इन, ये सब कंट्रोल सिग्नल्स हैं। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन
किसी कंट्रोल सिग्नल को यूज़ कर रहा है इनमें से, हो सकता है कि एक टाइम पे सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल यूज़ ना हो रहे हो, तो एक टाइम पे कुछ ही कंट्रोल सिग्नल जनरेट यूज़ हो रहे होंगे। लेट्स से अगर पीसी आउट यूज़ हो रहा है तो पीसी इन यूज़ नहीं हो रहा होगा, एमएआर इन यूज़ हो रहा है तो एमएआर आउट यूज़ नहीं हो रहा होगा, तो एमडीआर आउट यूज़ हो रहा है तो एमडीआर इन यूज़ नहीं हो रहा होगा, इसी तरह से आईआर इन यूज़ हो रहा है, आईआर इन यूज़ हो रहा है और आईआर आउट यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये कंट्रोल वर्ड जिसमें हर एक बिट जो है वो कंट्रोल सिग्नल रिप्रेजेंट कर रही है, सो दैट इज़ नोन एज कंट्रोल वर्ड। अ सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल वर्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ कंट्रोल सीक्वेंस इज कॉल्ड एज वॉट? माइक्रो रूटीन, माइक्रो फंक्शन और माइक्रो प्रोसीजर, दैट इज़ नॉन एज माइक्रो प्रोसीजर। माइक्रो प्रोसीजर के अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, उन माइक्रो इंस्ट्रक्शन को ही माइक्रो कंट्रोल वर्ड भी बोलते हैं। तो कंट्रोल वर्ड से मिलकर बनता है आपका कंट्रोल प्रोसीजर या फिर माइक्रो प्रोसीजर, और कंट्रोल वर्ड के अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कंट्रोल सिग्नल होंगे, कंट्रोल सिग्नल को ही माइक्रो इंस्ट्रक्शंस भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, इंडिविजुअल कंट्रोल वर्ड्स ऑफ द माइक्रो रूटीन आर कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज, मैंने वही बताया, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रोल वर्ड्स ऑफ द माइक्रो रूटीन आर कॉल्ड एज माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर होंगे माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है। तो हायरार्की कैसे है, यह आपकी कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी के अंदर है कंट्रोल वर्ड्स, ठीक है, कंट्रोल वर्ड के से मिलके बने हैं आपके कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल रूटीन और माइक्रो रूटीन, कंट्रोल वर्ड से मिलके बनी है माइक्रो रूटीन, एंड कंट्रोल वर्ड के अंदर है माइक्रो ऑपरेशंस। द स्पेशल मेमोरी यूज टू स्टोर द माइक्रो रूटीन्स और यू कैन से कंट्रोल वर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज नॉन एज कंट्रोल मेमोरी और कंट्रोल स्टोर, ठीक है, जहाँ पर हम कंट्रोल वर्ड को स्टोर करते हैं, कंट्रोल वर्ड या फिर कंट्रोल मेमोरी या फिर माइक्रो रूटीन, तो कंट्रोल वर्ड से मिलकर बनती है कंट्रोल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 135, टू रीड द कंट्रोल वर्ड सिक्वेंशियली इज विच रजिस्टर इज यूज, ठीक है, टू रीड द कंट्रोल वर्ड्स फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोग्राम काउंटर, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर। जैसे आपके पास में ये कंट्रोल मेमोरी है, ठीक है, ये है कंट्रोल मेमोरी, इसके अंदर कंट्रोल वर्ड्स हैं लाइक दिस, तो हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन, मैं किसी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपने इंस्ट्रक्शन ऐड R1 R2 एग्जीक्यूट करना है, तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक पूरा माइक्रो रूटीन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यह है कंट्रोल वर्ड, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक माइक्रो रूटीन, ये कंट्रोल वर्ड के अंदर माइक्रो रूटीन है, बोला इसके अंदर कंट्रोल सिग्नल्स हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो रूटीन। तो माइक्रो रूटीन जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो एक प्रोग्राम काउंटर मेंटेन रखेंगे, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर, जो अगले वर्ड पे है, अगर एक लेट से कंट्रोल वर्ड नंबर जीरो यूज़ हो रहा है तो माइक्रो प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करेगा वर्ड नंबर जीरो पर, कंट्रोल वर्ड जीरो पे, जैसे नॉर्मल होता है, जैसे मेन मेमोरी है तो मेन मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा, इसी तरह माइक्रो प्रोग्राम काउंटर है जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा, ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को ही हम कंट्रोल वर्ड भी बोलते हैं या फिर माइक्रो रूटीन बोलते हैं। सो आंसर इज सी, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर, ओके, दिस इज माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 136, एवरी टाइम अ न्यू इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर द आउटपुट ऑफ विच इज लोडेड इनटू माइक्रो प्रोग्राम काउंटर दैट इज स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर। कंट्रोल सिग्नल जब आप जनरेट करते हो तो आपके पास में एक स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर होगा और एक सीक्वेंस काउंटर होगा, तो ये एड्रेस जनरेट करेगा, जो इनिशियल एड्रेस होगा वो रजिस्टर, वो स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर जो है, जो जनरेटर एक अलग से यूनिट होगी, जनरेटर इंस्ट्रक्शन का, इनिशियल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट करेगा और प्रोग्राम काउंटर के अंदर रख देगा, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर के अंदर, ना कि प्रोग्राम काउंटर, ओके, प्रोग्राम काउंटर अलग है और माइक्रो प्रोग्राम काउंटर अलग है। माइक्रो प्रोग्राम काउंटर की जब बात करें तो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट की, जब प्रोग्राम काउंटर की बात करें तो नॉर्मल सीपीयू के अंदर की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग एड्रेस जनरेट करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर माइक्रो प्रोग्राम काउंटर के अंदर रख देगा, उसके बाद में इसको इंक्रीमेंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 137, द सिग्नल्स आर ग्रुप्ड सच दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स आर पुट टुगेदर, दिस इज ट्रू। तो जब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल सिग्नल्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मतलब एक टाइम पे उनमें से एक ही यूज़ होगा, दोनों एक साथ यूज़ नहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं, उनको एक साथ ग्रुप में रख देते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि कंट्रोल मेमोरी आपकी छोटी हो जाएगी, कंट्रोल मेमोरी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 138, हाईली इनकोडेड स्कीम दैट यूजेस कॉम्पैक्ट कोड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फंक्शंस इन ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके।
जैसे मैंने बताया था कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट दो तरह की है, एक है वर्टिकल एंड एक है हॉरिजॉन्टल। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो कंट्रोल सिग्नल्स होंगे वो इनकोडेड फॉर्म में होंगे, मतलब जैसे आपके पास में नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स हैं और जो कंट्रोल वर्ड है उसमें एक फील्ड है कंट्रोल सिग्नल वाला फील्ड। तो नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स अगर यहाँ पे लेट से 128 है तो ये जो ये कंट्रोल सिग्नल वाला जो फील्ड है वो 7 बिट का होगा क्योंकि इनकोडेड फॉर्म में है। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, अगर नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल आपके 128 है तो ये वाला फील्ड 128 बिट का ही होगा, ठीक है, ये इनकोडेड फॉर्म में नहीं होगा। तो जो कंट्रोल वर्ड है वो डिपेंड वो डिफरेंट करेगा वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में। जो कंट्रोल वर्ड का साइज होगा वो वर्टिकल में अलग होगा और हॉरिजॉन्टल में अलग होगा ड्यू टू दिस फील्ड कंट्रोल सिग्नल फील्ड यहाँ पे, और फ्लैग कंडीशंस एंड नेक्स्ट एड्रेस कई सारे फील्ड होंगे आपके, ठीक है। तो वर्ड का जो साइज होगा वो बड़ा होगा इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड एंड छोटा होगा इन केस ऑफ वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल में हम जो कंट्रोल सिग्नल से वो इनकोडेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो वर्ड है वो कॉम्पैक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 139, द डायरेक्टली मैप्ड कैशे यूजेस नो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन डायरेक्ट मैप्ड कैशे नो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज रिक्वायर्ड, दिस इज ट्रू। डायरेक्ट मैपिंग में कोई भी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास में एक फॉर्मूला है डायरेक्ट मैपिंग में दैट इज के मोड एन। तो अगर आपको कोई भी नया ब्लॉक मैच करना है, कोई भी नया ब्लॉक मैप करना है, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू मैप कर दोगे सिंपली, कोई आपको रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एसोसिएटिव कैश में एंड सेट एसोसिएटिव कैश में आपको मैपिंग टेक्निक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्मूला है। लेट्स से अगर आपको कोई ब्लॉक नंबर आ रहा है मेमोरी का, लेट्स से के इक्वल्स टू है आपका 16, ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं कैश में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेट्स से 4, और ये है अभी आपकी कैश मेमोरी की कंडीशन, ठीक है, ये है कैश मेमोरी, इसमें आपके 4 ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4, लेट्स से इसमें ए पड़ा हुआ है, इसमें बी, इसमें सी एंड इसमें डी, ये ब्लॉक नंबर 0 है, ये ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 एंड ये है ब्लॉक नंबर 3। अब मेमोरी का कैश ब्लॉक नंबर 16 आया, ये मेमोरी का ब्लॉक नंबर 16 है, तो इसको आप कहाँ मैप करोगे कैश मेमोरी के अंदर। तो अगर डायरेक्ट मैपिंग है तो डायरेक्ट मैपिंग का सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे। अभी कैश मेमोरी फुल है तो हमें पता है कि जब कैश मेमोरी फुल होती है तो हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी किसी एक ब्लॉक की, ओके। तो इसमें रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो सिंपली ये है कि k इक्वल्स टू 16 है, 16 मोड 4 ये आएगा 0, तो आप सिंपली कहोगे 0 के अंदर डालना है जो नया ब्लॉक नंबर आया है, ठीक है, इसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की। क्वेश्चन नंबर 140, द एल्गोरिथम विच रिप्लेसेस द ब्लॉक विच हैज नॉट बीन रेफरेंस्ड फॉर ए वाइल इज कॉल्ड व्हाट, विच हैज नॉट बीन रेफरेंस्ड फॉर ए वाइल दैट इज नोन एज LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम वो ब्लॉक रिप्लेस करते हैं जो बहुत देर से यूज नहीं किया गया है, ओके, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास में ब्लॉक्स हैं जो एक्सेस हो रहे हैं वो है इस तरह से, ये ब्लॉक्स हैं, लेट्स से आपकी जो कैश मेमोरी है उसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, तो हम एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहे हैं। एसोसिएटिव मैपिंग में हम कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, तो 1 यहाँ पे आएगा, यह है ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2। तो जो आपका इनिशियली 1 आएगा वो यहाँ पर ये मिस हुआ क्योंकि कैश फिर एम्प्टी था, 2 यहाँ ये भी मिस हुआ, 3 भी मिस होगा। अब आपको 5 लाना है, 5 रिप्लेस करना है, 5 कहाँ रिप्लेस करोगे, तो 3 भी अभी अभी यूज़ हुआ है, 2 भी अभी अभी यूज़ हुआ है एंड 1 बहुत पहले यूज़ हुआ था, इसलिए 5 को यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, ये भी मिस होगा। अब आपको 3 डालना है, तो 3 पहले से ही है तो दैट इज़ हिट। इसका क्या होगा, रेफरेंस काउंटर जो होगा वो 2 हो जाएगा, रेफरेंस काउंटर 2 हो गया है क्योंकि 2 बार रेफरेंस कर चुके हैं हम 3 को। 2 भी आपका हिट है, ठीक है, 2 पहले से ही है इसलिए हिट है, रेफरेंस काउंटर इसका भी 2 हो गया है। अब 1 आया, 1 इसके अंदर नहीं है तो किससे रिप्लेस करोगे, तो आप रिप्लेस करोगे उससे जिसका रेफरेंस काउंटर सबसे कम है, क्योंकि 5 का रेफरेंस काउंटर 1 है, एक बार रेफरेंस हुआ है, तो आप 1 से रिप्लेस कर दोगे 5 को, ठीक है, तो 1 का रेफरेंस काउंटर हो गया है आप 1। अब 1 दोबारा सक्सेस हुआ तो दैट इज हिट और रेफरेंस काउंटर हो गया है 1 का 2।
आप दोबारा 5 एक्सेस करोगे तो 5 को किससे रिप्लेस करोगे, क्योंकि सबके रेफरेंस काउंटर 2 है तो आप उससे रिप्लेस करोगे जो सबसे लास्ट में यूज हुआ था। 1 अभी यूज हुआ है, 2 भी अभी यूज हुआ है, 3 सबसे लास्ट में यूज हुआ था, इसलिए आप 3 से रिप्लेस कर दोगे 5 को। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है उसको हम रिप्लेस करते हैं एल्गोरिथम है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 141, द काउंटर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ ब्लॉक इज काउंट मोस्ट लाइकली यूज्ड इज रेफरेंस काउंटर। जैसे हमने अभी बात की, रेफरेंस काउंटर इस चीज का रिकॉर्ड रखेगा कि हर एक ब्लॉक कितनी बार एक्सेस किया गया है, क्योंकि वो रेफरेंस काउंटर हमारे काम आएगा रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 142, सो विच हैव बीन डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर पाइपलाइन सिस्टम, इनमें से कौन सी चीज स्पेशली पाइपलाइन सिस्टम के लिए यूज की गई है, वो है ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर सबसे बेस्ट यूज करेगा आपके मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का। अगर आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है और आप पाइपलाइनिंग यूज कर रहे हो तो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर यूज करना जरूरी है। ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर आपके कोड को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर देगा कि वो पैरेलली रन कर सके, उसका कोड जो है वो पैरेलली अलग अलग पार्ट पे प्रोसेसर के रन कर सके और पाइपलाइनिंग यूज कर सके। क्वेश्चन नंबर 143, ईच स्टेज इन पाइपलाइन शुड बी कंप्लीटेड विद इन वन साइकिल। तो अगर आपकी कोई भी पाइपलाइनिंग की स्टेज, पाइपलाइनिंग स्टेज का मतलब क्या है, पाइपलाइनिंग स्टेज है आपके पास में इस तरह से इंस्ट्रक्शन फैच, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड, फिर ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक, ये 5 स्टेज है नॉर्मली किसी पाइपलाइन सिस्टम में। तो ये कह रहा है कि हर एक स्टेज जो है वो 1 साइकिल में कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर कोई स्टेज 1 साइकिल से ज़्यादा ले रही है तो क्या होगा, अगली स्टेज जो है वो डिले हो जाएगी। तो अगली स्टेज अगर डिले होगी तो सारी की सारी स्टेजेस डिले हो जाएगी, इससे पाइपलाइनिंग की जो परफॉर्मेंस है वो घट जाएगी। नॉर्मली पाइपलाइनिंग की जो CPI है वो 1 होती है। CPI 1 होने का मतलब क्या है कि साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन में एक ही साइकिल लग रही है। तो लेकिन अगर आपका हर एक स्टेज एक से ज़्यादा साइकिल लेने लग जाए तो CPI 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि हर एक स्टेज जो है वो एक साइकिल में कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 144, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस इन पाइपलाइन वी मेक यूज ऑफ कैश मेमोरीज। ओके, और ऑब्वियसली हम स्पीड अगर हमें फास्ट करनी है तो हम कैश मेमोरी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145, द पीरियड्स ऑफ टाइम व्हेन द यूनिट इज आइडल इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टॉल्स। ओके, फॉर एग्जांपल ये है आपकी पाइपलाइनिंग। ओके, ये है लेट्स से आपका नंबर ऑफ आपके पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन लेट्स से आपके पास में 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शंस हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल जो है इंस्ट्रक्शन 1 में। ओके, I1 जो ले रहा है इंस्ट्रक्शन फैच में आपकी 2 साइकिल ले रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड में लेट्स से 1 साइकिल ले रहा है, ऑपरेंड फैच में 1 साइकिल ले रहा है, एग्जीक्यूट में लेट्स से 1 साइकिल ले रहा है। ओके, राइट बैक में 1 साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन I1 ऐसे है, फिर आपके पास में I2 है, I2 इंस्ट्रक्शन फैच में लेट्स से 1 साइकिल ले रहा है, 2 इंस्ट्रक्शन डिकोड में और बाकी सब में 1-1। इसी तरह इंस्ट्रक्शन I3 है जो इनिशियली 1 साइकिल ले रहा है, फिर 3 साइकिल, फिर 2, फिर 1, लाइक दिस। तो कैसे होगा, इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट होगा, इंस्ट्रक्शन फैच करेगा 2 बार 2 साइकिल में लाइक दिस, उसके बाद में फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, ऑपरेंड फैच होगा, देन एग्जीक्यूट 1 साइकिल में और राइट बैक 1 साइकिल में, फिर इंस्ट्रक्शन I2 आया, I2 को इंस्ट्रक्शन फैच लगेगी 1 साइकिल। लेकिन जो आपका I2 है वो यहाँ पर फैच नहीं कर सकता है, वो फैच यहाँ करेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट यहाँ पे फ्री होगी साइकिल नंबर 3 में। साइकिल नंबर 1 एंड 2 जो है उसमें I1 फैच कर रहा है, इसलिए आप I2 फैच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो 2 साइकिल्स हैं, ये साइकिल्स जो हैं इनको बोलते हैं स्टॉल साइकिल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं स्टॉल साइकिल्स, जिनमें CPU को वेट करना पड़ेगा। स्टॉल साइकिल्स मीन्स वेस्टेड साइकिल, जो साइकिल्स वेस्ट हो रही है, तो दैट इज नोन एज स्टॉल्स। 146, द कंटेंशन फॉर द यूजेस ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड एज व्हाट। तो कभी कभी ऐसा होगा पाइपलाइनिंग में एक ही टाइम पे 2 इंस्ट्रक्शन सेम रिसोर्स को यूज करने की कोशिश कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका इंस्ट्रक्शन I1 एंड I3, इंस्ट्रक्शन I1 क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन I1 लेट से इंस्ट्रक्शन फैच कर रहा है और I3 राइट बैक करने की कोशिश कर रहा है, और दोनों के दोनों इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन फैच कहाँ से करते हैं, मेमोरी से, राइट बैक कहाँ करते हैं, मेमोरी के अंदर। तो I1 एंड I3 दोनों सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रिसोर्स है मेमोरी, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल हैजार्ड।
जब आपका मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर कोई हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट होगा. हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्ट्रक्चरल हजार्ड. क्वेश्चन नंबर 147, द सिचुएशन वेयर इन द डेटा ऑफ ऑपरेंड्स आर नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड एज डेटा हजार्ड, स्टोर, स्टॉक, डेडलॉक और स्ट्रक्चरल हजार्ड. स्ट्रक्चरल हजार्ड अभी मैंने देखा कि ये बात करता है हार्डवेयर की, जब हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट होगा. जब डेटा कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको बोलते हैं डेटा हजार्ड. अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड की वेट कर रहा है, ऑपरेंड की वेट किस कंडीशन में कर सकते हैं, लेट से आपके पास में एक इंस्ट्रक्शन है आई वन जिसमें आप कर रहे हो आर वन आर थ्री प्लस आर टू, ठीक है. इट मीन्स एडिशन ऑफ आर थ्री एंड आर टू इज स्टोर्ड इन आर वन. और आई टू कह रहा है कि लेट से आर फोर में आर वन माइनस आर थ्री, तो क्या होगा. अब जब ये इंस्ट्रक्शन आर वन पूरा एग्जीक्यूट हो चुका होगा तभी आर वन आर जब इंस्ट्रक्शन आई टू जो है वो आर वन को फैच कर सकता है, ऑपरेंड को फैच कर सकता है. इसकी ऑपरेंड फैच साइकिल जो होगी वो हमें डिले करनी पड़ेगी क्योंकि हमें अपडेटेड आर वन यूज़ करना है. अगर आपने पहले इसको फैच कर लिया ऑपरेंड को तो ये ओल्ड वैल्यू को फैच कर लेगा. इसलिए जब तक आई वन एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा आपको वेट करना पड़ेगा ऑपरेंड फैच के लिए. उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, तो उसमें हम बीच में से इसको फैच कर सकते हैं. तो जब आर वन की वैल्यू फाइनली आप मेमोरी के अंदर राइट कर दोगे तब आप आर वन को फैच करोगे तो इसकी ऑपरेंड फैच साइकिल जो है वो वेट करेगी. इस कंडीशन को बोलते हैं डेटा हैजार्ड, जिसमें डेटा ऑपरेंड्स जो है वो अवेलेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 148, द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एम्ड एट रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज वॉट, आर आई एस सी. तो आर आई सी में हम पाइपलाइनिंग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास में नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं. इसलिए जो सारे जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग है वो आप रजिस्टर के अंदर ही कर सकते हैं, आपको मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 149, द आर आई सी प्रोसेसर हैज़ ए मोर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन देन सी आई एस सी. दिस इज फॉल्स. एक्चुअली सी आई एस सी हैज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, क्योंकि इसमें आर्किटेक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 150, द आइकॉनिक फीचर ऑफ द आर आई एस सी मशीन अमंग द फॉलोइंग आर रिड्यूस्ड नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, इंक्रीज मेमोरी साइज, हैविंग अ ब्रांच डिले स्लॉट. ओके, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, ऑल ऑफ दिस आर द फीचर ऑफ आर आई एस सी एंड सी आई एस सी हैज़ द अपोजिट एडवांटेजेस. तो सी आई एस सी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह से हैं कि मोर नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, इंक्रीज डिक्रीज मेमोरी साइज कम होगा, नो ब्रांच डिले स्लॉट. सो वी हैव कम्प्लीटेड 150 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले हम 200 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कम्प्लीट कर चुके हैं. तो अब हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो कल कम्प्लीट हो जाएगा 50 क्वेश्चन पूरे करने के बाद. उसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज डी बी एम एस. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.